हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीपीआर। सीपीआर सीपीआर क्या होता है, इसकी पहले फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, कार्डियो पल्मोनरी रिसर्सिटेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है सीपीआर। सीपीआर स्टैंड्स फॉर कार्डियो पल्मोनरी रिसर्सिटेशन। और इसका दूसरा नाम होता है बीएलएस। इसे बीएलएस के नाम से भी जानते हैं। बीएलएस क्या होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट, ये इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, हम इसको बीएलएस भी बोल सकते हैं। फिर हम बात करें कि सीपीआर क्या होता है। सीपीआर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बात करें तो इट इज प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द, किसके पास, इट इज प्रोवाइड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है किसे, टू द हार्ट ब्रेन एंड अदर वाइटल ऑर्गन अंटिल हेल्प अराइव, जब तक हेल्प अराइव नहीं होती। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें कि सीपीआर कौन दे सकता है, तो सीपीआर कौन दे सकता है, इट कैन बी प्रोवाइडेड, यह प्रोवाइड किया जा सकता है किसके द्वारा, इट कैन बी प्रोवाइडेड बाई ट्रेंड मेडिकल पर्सनल इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नीशियन, पैरा मेडिकल पर्सनल और ट्रेंड पर्सन। ठीक है, ये इनके द्वारा ये प्रोवाइड किया जा सकता है। फिर हम बात करें कि इसका एम्स क्या होता है, नोट डाल के ये लिख लो बात कि एम्स क्या होता है, तो इट इज एम्स टू रिस्टोर द फंक्शन ऑफ हार्ट, नोट री स्टार्ट द हार्ट, ये हमें पता होना चाहिए कि सीपीआर का एम्स होता है रीस्टोर द फंक्शन ऑफ हार्ट, नोट टू रीस्टार्ट द हार्ट। ठीक है, इसका फंक्शन को रिस्टोर करना है, हार्ट को रिस्टार्ट हम सीपीआर से नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हम इसके बाद में बात करते हैं कि इंडिकेशन क्या होते हैं सीपीआर, किस किस को हम सीपीआर दे सकते हैं। तो इंडिकेशन की बात करें तो इंडिकेशन किस किस को दे सकते हैं, तो किस किस को दे सकते हैं, एक तो हार्ट अटैक के पेशेंट को दे सकते हैं, हार्ट अटैक, और किसको दे सकते हैं, हार्ट अटैक शोक वाले पेशेंट को दे सकते हैं, शोक वाले पेशेंट को दे सकते हैं, और पॉइजनिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी पॉइजनिंग हो जाए तब भी दे सकते हैं, और किसको दे सकते हैं, ड्राउनिंग के पेशेंट को दे सकते हैं, डूबे हुए को, फिर पानी में चला गया उसको दे सकते हैं, और किसको दे सकते हैं, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन वाले को दे सकते हैं, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन को दे सकते हैं। ठीक है, और किसको दे सकते हैं, FBAO फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वाले पेशेंट को हम सीपीआर दे सकते हैं, ये इनके इंडिकेशन होते हैं, हार्ट अटैक, तो पॉइजनिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम बात करते हैं ड्राउनिंग, डूबे हुए को पेशेंट को भी हम सीपीआर दे सकते हैं, और एनाफिलेक्टिक रिएक्शन वाले पेशेंट को दे सकते हैं, और FBAO फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वाले को भी हम सीपीआर दे सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें कि इसकी सीपीआर की कुछ गाइडलाइन होती है, तो वो देख लें इसके बारे में, सीपीआर के बारे में कुछ जनरल गाइडलाइन। तो
सीपीआर गाइडलाइन, सीपीआर की गाइडलाइन है वो क्या है, पहले है 4 HCP, HCP के लिए क्या, टू डिटरमाइन अनरिस्पॉन्सिवनेस, अनरिस्पॉन्सिवनेस, टू डिटरमाइन अनरिस्पॉन्सिवनेस इज फर्स्ट एक्शन, ठीक है। सबसे पहले HCP को डिटरमाइन करना है अनरिस्पॉन्सिवनेस ऑफ विक्टिम, सेक्शन अनरिस्पॉन्सिवनेस ऑफ विक्टिम, ठीक है। विक्टिम की अनरिस्पॉन्सिवनेस चेक करनी है सबसे पहले HCP को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। फिर इसमें है केब, केब केब गाइडलाइन है, तो केब गाइडलाइन है इसके अंदर CPR में होती है केब गाइडलाइन, ठीक है। तो केब गाइडलाइन में क्या होता है, CAB, C stands for सर्कुलेशन, A stands for एयरवे, B stands for ब्रीदिंग, ठीक है। ये केब फॉर्मूला है, पहले ABC था, पहले ABC फॉर्मूला था जो अब बंद हो गया, अब है केब फॉर्मूला, ठीक है। केब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग C4 सर्कुलेशन, A4 एयरवे, B4 ब्रीदिंग, ठीक है। ये जनरल गाइडलाइन। फिर हम देखते हैं एडल्ट के लिए गाइडलाइन, एडल्ट के लिए कुछ गाइडलाइन है, सबके लिए देखेंगे हम। एडल्ट के लिए अलग गाइडलाइन है, चाइल्ड के लिए अलग है, इन्फेंट के लिए अलग है, ठीक है। तो सब एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं गाइडलाइन फॉर अडल्ट, अडल्ट के लिए क्या है, ठीक है। अडल्ट के लिए क्या गाइडलाइन है, सबसे पहले अडल्ट के लिए, तो अगर अडल्ट पेशेंट है तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमें अनरिस्पॉन्सिवनेस कंफर्म करना है, कंफर्म अनरिस्पॉन्सिवनेस। सबसे पहले तो हमें अनरिस्पॉन्सिव है पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना है कि रिस्पॉन्सिवनेस है या अनरिस्पॉन्सिवनेस। उसके लिए क्या चेक करेंगे, उसके लिए हम कैरोटिड पल्स चेक करेंगे एडल्ट में, कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। और जब भी हम पल्स चेक करते हैं CPR में किसी में भी हो, तो हम नॉट मोर देन 10 सेकेंड तक ही कर सकते हैं, नॉट मोर देन 10 सेकेंड, ठीक है। 10 सेकेंड से ज्यादा हमें पल्स चेक नहीं करनी CPR के अंदर, ठीक है। फिर कंफर्म हो जाए, अगर पल्स एब्सेंट है उसके अंदर, कोई पल्स नहीं आ रही, ब्रीदिंग नहीं कर रहा, तो पहले एक्टिवेट EMS को एक्टिव करना है, ठीक है। EMS को एक्टिव करने के बाद में हमें CPR करना है, फिर स्टार्ट CPR स्टार्ट करना है, और ऑब्टेन AED, AED क्या है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये एडल्ट के लिए गाइडलाइन थी, फिर हम बात करें चिल्ड्रन के लिए और फिर न्यूबॉर्न के लिए। ये एडल्ट के बारे में देखा हमने, अब देखते हैं चाइल्ड के लिए। चाइल्ड के लिए क्या गाइडलाइन है, चाइल्ड के लिए भी वही, सबसे पहले चेक अनरिस्पॉन्सिवनेस, सबसे पहले हमें अनरिस्पॉन्सिवनेस चेक करनी है। अब वो कैसे चेक करनी है, चेक चाइल्ड है तो इसमें फ्यूमोरल आर्टरी चेक करते हैं, फ्यूमोरल आर्टरी से पल्स चेक करते हैं, फ्यूमोरल आर्टरी, अगर वहां पे नो पल्स तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें CPR स्टार्ट, CPR उस एक्टिवेट EMS इमरजेंसी रिस्पॉन्सिवनेस सिस्टम, ठीक है। इसको हम एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, उसको EMS को कॉल करते हैं, ठीक है। उसके बाद में ओपन AED एक्सटर्नल ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ठीक है। ये हमें चाइल्ड के लिए, यही पल्स सेम नॉट मोर देन
10 सेकंड सब में देखना है, 10 सेकंड से ज्यादा हमें चेक नहीं करनी, ठीक है। ये चाइल्ड के लिए थे। अब हम बात करें इन्फेंट की, इन्फेंट के लिए भी सेम गाइडलाइन है, अनरिस्पॉन्सिवनेस चेक करना है। यहाँ पे फीमोरल आर्टरी की जगह ब्रेकियल आर्टरी, अब ब्रेकियल आर्टरी अगर नो पल्स है वहां पे तो हमें पहले इसके साथ में हमें और कुछ करना है, क्या करेंगे, स्ट्रोक द बेबी, स्ट्रोक करना है, बेक पे रब करना है या फिर सोल पे रब करना है, ठीक है, स्ट्रोक करना है। अगर वहां पे नो मूवमेंट है, नो मूवमेंट, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट सीपीआर, सीपीआर स्टार्ट करना है, उसके बाद में एक्टिवेट ईएमएस इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, फिर उसके बाद में ऑब्टेन एईडी, ऑब्टेन एईडी, ये हमें इन्फेंट के लिए देखना है, ठीक है। ये थी गाइडलाइंस। फिर हम उसके बाद में के फॉर्मूला सीएबी, फिर हम सीएबी देखते हैं, के फॉर्मूला यूज करेंगे, के फॉर्मूला, के फॉर्मूला क्या होता है, तो के फॉर्मूला में सबसे पहले है सी कंप्रेशन, पहला है सी, सी फॉर कंप्रेशन। बात करें तो कंप्रेशन हम क्या क्या देखते हैं, नेचर डेप्थ रेट और लोकेशन, ये हम देखेंगे। तो नेचर की बात करें तो नेचर कैसा होना चाहिए, हार्ड फास्ट एंड कंप्लीट रिकॉइल, इसका मतलब है कि हार्ड सरफेस होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए और कंप्लीट रिकॉइल, जितना हम कंप्रेस कर रहे हैं उतना वापिस ऊपर आना चाहिए, ये इसकी नेचर होती है। डेप्थ की बात करें तो एडल्ट एंड चाइल्ड में डेप्थ होती है 2 इंच और 5 सेंटीमीटर, और इन्फेंट की बात करें तो 1.5 इंच होती है। फिर हम रेट की बात करें तो रेट होती है एट लीस्ट 100 कंप्रेशन पर मिनट, एवरेज की बात करें तो 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो अडल्ट एंड चाइल्ड, इन दोनों में लोकेशन होती है मिड लाइन, मिड लाइन स्टर्नम से होते हुए जाएगी मिड लाइन एंड एट इक्वल टू निप्पल लाइन, ठीक है। और वहीं इन्फेंट की बात करें तो मिड लाइन से होते हुए तो जाएगा, मिड लाइन पे देंगे लेकिन एट बिलो द निप्पल लाइन, जस्ट बिलो द, जस्ट बिलो द निप्पल लाइन हम कंप्रेशन देंगे, ठीक है। एडल्ट और चाइल्ड की बात करें तो मिड लाइन से, मिड लाइन ये बॉडी की मिड लाइन है, स्टर्नम के ऊपर देंगे और इक्वल टू द निप्पल लाइन यहाँ पे देंगे। और फिर हम इन्फेंट की बात करें तो मिड लाइन जस्ट बिलो द निप्पल लाइन, जस्ट बिलो द निप्पल लाइन हम उसको कंप्रेशन देंगे, ठीक है। ये इसकी नेचर थी। मेथड की बात करें तो मेथड की बात करें तो एडल्ट के लिए, एडल्ट के लिए टू हैंड, टू हैंड मेथड यूज लेंगे एडल्ट के लिए, कैसे लेंगे, हील ऑफ वन हैंड एंड वन हैंड अबो, हील ऑफ वन हैंड एंड वन हैंड अबो, वन हैंड अबो विद फिस्ट क्लोज, विद फिस्ट क्लोज, ठीक है। वन हैंड हील ऑफ वन हैंड एंड
हील ऑफ वन हैंड एंड अनदर हैंड अबो विद फिस्ट क्लोज्ड, ठीक है, इस तरह से हम उसको सीपीआर देंगे, ठीक है, ये टू हैंड होगा। फिर हम चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन में हम वन हैंड, वन और टू हैंड दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। क्या मेथड रहेगा इसमें, हील ऑफ हैंड, ठीक है, एक हाथों या दो हाथों हील ऑफ हैंड यूज करेंगे। फिर हम बात करते हैं इन्फेंट की, ठीक है, फिर हम इन्फेंट की बात करते हो तो इन्फेंट में देखते हैं, इन्फेंट में वन रेस्टोर होगा तो हम करेंगे बाई टू फिंगर, और टू रेस्टोर हुए तो थंब, टू थंब एंड टू थंब बाई एन सर्कलिंग हैंड, ठीक है। अगर वन रेस्क्योर है तो टू फिंगर से देंगे, ठीक है, अगर टू रेस्क्योर है तो टू थंब से एन सर्कलिंग ऐसे बच्चे को पकड़ के और टू थंब से हमें सीपीआर देना है, ठीक है, ये इन्फेंट की बात है, ठीक है, ये था मेथड। फिर हम दूसरा देखते हैं एयरवे, कंप्रेशन हो गया, सी फोर कंप्रेशन, ए फोर एयरवे, अब हम ये देखेंगे एयरवे, दूसरा हम देखते हैं एयरवे, ठीक है, कंप्रेशन हो गया, अब एयरवे के हम बारे में डिस्कस करते हैं। तो एयरवे का क्या मेथड होता है, हेड टिल्ट करना है एंड चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट का मेथड होता है, ठीक है। अगर एक बात ध्यान रखनी है, अगर कोई भी इसको सर्वाइकल इंजरी है, ठीक है, सर्वाइकल इंजरी है तो हम क्या देंगे उसको, कौन सा मेथड यूज करेंगे, तब हम यूज करते हैं जॉ थ्रस्ट मेथड, ये हमें ध्यान रखना है, या तो हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट पोजीशन देंगे, अगर उसको सर्वाइकल इंजरी है, कोई भी इंजरी है बैक में, स्पाइन में इंजरी है तो हम उसको देंगे जो थ्रस्ट मेथड, ठीक है, ये हमें यूज करना है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्रीदिंग, ठीक है, अब हम तीसरा कंप्रेशन हो गया, एयरवे हो गया, अब है लास्ट है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग की बात करते हैं, तो ब्रीदिंग कैसे देंगे, माउथ टू नोज और माउथ टू स्टोमक बाई ट्रेकियोस्टोमी करने के बाद में, ठीक है, ये हम देंगे। और जो ब्रीथ होती है इफेक्टिव ब्रीथ इज ओवर वन सेकेंड, पूरी एक सेकेंड की ब्रीथ होनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगी, ठीक है। हम इफेक्टिव ब्रीथ की बात करें तो ओवर वन सेकेंड इज इफेक्टिव ब्रीथ। फिर हम उसके बाद बात करें कि जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो, कि कितनी ब्रीथ और कितने कंप्रेशन देने हैं, तो सब में अलग अलग होते हैं। रेशियो की बात करें तो कंप्रेशन इधर देखते हैं, वेंटिलेशन या फिर ब्रीथ, ठीक है, इसकी बात करता हूं। तो कंप्रेशन अडल्ट के लिए बात करें तो सबसे पहले अडल्ट की बात करते हैं, अडल्ट में कितने कंप्रेशन देते हैं, 30 कंप्रेशन रेशियो टू वेंटिलेशन, चाहे वन रेशियोर हो या फिर टू रेशियोर हो, वन और टू रेशियोर, ठीक है। फिर हम
चाइल्ड एंड इन्फेंट की बात करते हैं तो अगर ये रेस्क्योर पे डिपेंड होता है, वन रेस्क्योर टू रेस्क्योर, ठीक है। अगर वन रेस्क्योर है तो हम देंगे उसको 30 कंप्रेशन टू वेंटिलेशन, अगर टू रेस्क्योर है चाहे चाइल्ड हो चाहे इन्फेंट हो तो 15 कंप्रेशन एंड टू वेंटिलेशन, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अडल्ट में 30 दो कंप्रेशन, वन चाहे वन रेस्क्योर हो चाहे टू रेस्क्योर हो। अगर चाइल्ड और इन्फेंट की बात आती है तो अगर वन रेस्क्योर है तो 30 दो 30 कंप्रेशन ऑन टू वेंटिलेशन, और टू रेस्क्योर है तो 15 कंप्रेशन एंड टू वेंटिलेशन हम उनको देंगे। इसके बाद में हम एक बात का पता होना चाहिए, इफ सर्कुलेशन, अगर सर्कुलेशन आ गया, इफ सर्कुलेशन प्रेजेंट, तो हमें 6 से 8 सेकंड में एक ब्रीथ देनी है, ठीक है। ब्रीथ ओवर 1 सेकंड होगी लेकिन 6 से 8 सेकंड का गैप रखना है, तो या फिर हम कह सकते हैं कि 8 से 10 वेंटिलेशन या फिर 8 से 10 ब्रीथ पर मिनट, एक मिनट के अंदर 8 से 10 ब्रीथ देनी है। अगर हमारे पास एडवांस एयरवे है, एडवांस एयरवे लाइक एम्बू, एडवांस एयरवे है तो हम उसको 5 से 6 सेकंड में ब्रीथ देंगे, और एक मिनट की बात करें तो 10 से 12 ब्रीथ पर मिनट, अगर मिनट की बात करें तो 10 से 12 ब्रीथ एक मिनट के अंदर देंगे, ठीक है। अगर हमने सीपीआर दिया, नो रिस्पांस, कोई रिस्पांस नहीं है, तो हमें क्या करना है, ऑब्टेन एईडी, फिर हमें एईडी को यूज करना है।